सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोस आप देख सकें। नमस्कार, आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सौंफ की। दोस्तों, सौंफ का भारत के साथ प्रेम संबंध को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, यह हर भारतीय घरों में जरूर मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत सौंफ के बीज का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसे व्यापक रूप से सौंफ के रूप में जाना जाता है। अधिकांश भारतीय घरों में हम आम बात यह कहते हैं कि भोजन के अंत में कुछ सौंफ दिए जाते हैं, यह आपके मुंह को तरोताजा कर सकता है। सौंफ कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मैंगनीज, विटामिन सी, आयरन, सेलेनियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों का एक केंद्रित स्रोत है, जो केवल सांसों की बदबू को मात देने से अधिक है। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए वाटर रिटेंशन तक को ठीक करता है। सौंफ के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, ये जीरा से मिलते जुलते हैं, लेकिन सौंफ पूरी तरह से एक अलग मसाला है। आइए जानें सौंफ के बीज के लाभों के बारे में। सौंफ खाने के चमत्कारी फायदे हैं। कब्ज दूर करे, सौंफ खाने से पेट और कब्ज की शिकायत नहीं होती। सौंफ को मिश्री या चीनी के साथ पीस कर चूर्ण बना लीजिए। रात को सोते वक्त लगभग 5 ग्राम चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजिए। पेट की समस्या नहीं होगी, वह गैस व कब्ज दूर होगा। आंखों की रोशनी सौंफ के सेवन से बढ़ाया जा सकता है। सौंफ और मिश्री समान भाग लेकर पीस लें। इसकी एक चम्मच मात्रा सुबह शाम पानी के साथ 2 माह तक लीजिए। इसे आंखों की रोशनी बढ़ती है, डायरिया में यह काफी लाभकारी है। सौंफ को बेल के गूंदों के साथ सुबह शाम चबाने से अजीर्ण समाप्त होता है और अतिसार में फायदा होता है। भोजन के बाद खाएं सौंफ। खाने के बाद सौंफ का सेवन करने से खाना अच्छे से पचता है। सौंफ, जीरा व काला नमक मिलाकर चूर्ण बना लीजिए। खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ इस चूर्ण को लीजिए, यह उत्तम पाचक है। खांसी करें ठीक। खांसी होने पर सौंफ बहुत फायदा करता है। सौंफ के 10 ग्राम अर्क को शहद में मिलाकर लीजिए, इससे खांसी आना बंद हो जाएगी। पेट दर्द में काफी फायदेमंद है सौंफ। अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो भुनी हुई सौंफ चबाइए, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। सौंफ की ठंडाई बनाकर पीजिए, इससे गर्मी शांत होती है और जी मिचलाना बंद हो जाता है। अपच और खट्टी डकार यदि आपको आ रही है तो थोड़े से सौंफ को पानी में उबाल कर मिश्री डालकर पीजिए। 2-3 बार प्रयोग करने से बहुत आराम मिलता है। जलने पर, हाथ पांव में जलन होने की शिकायत होने पर सौंफ के साथ बराबर मात्रा में धनिया कूटकर छनकर मिश्री मिलाकर खाना खाने के पश्चात 5-6 ग्राम मात्रा में लेने से कुछ ही दिनों में आराम हो जाता है। आयुर्वेद समाधान में दिए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। तो आज आयुर्वेद समाधान में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।